हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। और ये देखो, दूध फट गया है और मैंने इसका फिर ये ऐसे इसमें थोड़ा सा नींबू वगैरह डाल के, डेढ़ नींबू डाल दिया था मैंने इसमें। और अब इसका खीस बना रही हूँ, वो बना के फिर इसको निकाल लूँगी और फिर इसको बाद में घी में भून दूँगी। मतलब मावा जैसे खोया होता है ना, वो लगेगा, इतना अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है इस चीज़ का। और ये बहुत अच्छे से उबल रहा है अभी, तब तक ये उबलता रहेगा मैं अपनी स्किन केयर जो है वो कर लूँगी, क्योंकि बस यही थोड़ा सा टाइम होता है, मुझे टाइम लगता है स्किन केयर करने का। और यहाँ पे मैंने ये देखो, नींबू से जो है, जो नींबू का वो पीछे छिलका बच जाता है ना, उस छिलके से मैंने थोड़ा सा इस पर वो किया है, मसाज की है। और मसाज करके इसको आप छोड़ना चाहते हो ना सूखने के लिए, छोड़ सकते हो, लेकिन मैं छोड़ती नहीं हूँ क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं होता मैं छोड़ दूँ। तो बस यही देखो, फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। और उसके बाद बच्चों की मस्ती भी आपको मैं दिखाती हूँ। और यहीं पे ये देखिए, फ़र्क नज़र आ रहा होगा। और ये नींबू के थोड़ा थोड़ा कुछ लग गया था यहाँ पे। और ये देखो, यहाँ पे कर रहे हैं दोनों बच्चे मस्ती, और हिमांक और वरुण। मतलब है ना, हिमांक इतना वो है, इतना ज़बरदस्त मारता है। ये देखो, ये गिरा दिया और फिर ये उठेगा भाग के, फिर ये इसको मारेगा। मतलब दोनों की मस्ती है ना, ऐसे ही चलती रहती है दोपहर को। अगर मैं इनको फ़ोन ना दूँ तो मस्ती करते हैं, अदरवाइज इनको यही रहता कि फ़ोन देख ले, टीवी देख ले। ये देखो पूरा, मतलब पूरा मस्ती खो रहा है। पैर देखो कितने चौड़े वो करके रखता है, दोनों टांगों को इतना चौड़ा फैला लेता है। मेरे को बहुत बार डर लगता है, मैं कहा पता नहीं कि पूरी की पूरी, मतलब होती ना स्ट्रेट जैसे डांसर करते हैं, ऐसा ना कर ले ये, कहीं चोट वोट ना खा लें। फिर यहाँ की जो मैं दोपहर को आई थी तो चेक करी थी यहाँ पे क्या काम जो है वो चल रहा था, यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैं चेक करी थी। ये दरवाज़े वगैरह क्या क्या किस तरह का जो है वो चीज़ें मैं चेक कर रही थी, कोई कमी तो नहीं है। सारी खिड़कियाँ दरवाज़े मतलब कुंडियाँ वगैरह मैं अपने हिसाब से बंद करके को देख रही थी मैं सारी चीज़ें कि ठीक से बंद हो रही हैं कि नहीं हो रही, क्योंकि बाद में फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना कोई भी, कोई भी चाहे प्लम्बर है या फिर मिस्त्री वाला, ये लकड़ी वाला है या फिर और कोई है, चिनाई वाला मिस्त्री है, वो चीज़ें बार बार नहीं बुलाई जाती हैं। और ये अंकल यहाँ पे लगे हुए थे, ये स्टूल भी अंकल ने अपनी सुविधा के लिए बना लिया है, इनको खड़े होने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था तो ये वाला स्टूल अंकल ने बना लिया है। तो मैं यही देख रही थी, मैं कहा अंकल बोल रहे थे कि मेरे को खड़े होने के लिए चाहिए, तो मैं कहा अंकल आप बता देते, मैं घर से इतना एक स्टूल रखा हुआ है, वो किसी भी काम का नहीं है, तो मैं वो भेज देते, आपने बताया ही नहीं। और ये यहाँ पे जो खाली जगह दिख रही है उसके बारे में पूछ रही थी मैं अंकल को, मैं कहा यहाँ क्या लगेगा, बस वही चीज़। और यहाँ पे अंकल ये फिटिंग का काम कर रहे हैं, और ये ना 2 दिन पुरानी क्लिप है, ये काम 2 दिन पहले हो चुका है, 2 दिन पुरानी क्लिप है ये। ये ऐड करना भूल गई थी तो मुझे लगा कि मेरे पास रखी हुई है तो मैं इसको ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। और ये अंकल के लिए हमने पंखा लगा के रखा हुआ, क्योंकि जो ये काम होता है ना लकड़ी का, उसमें जो है थोड़ी सी घास वगैरह उठती है ना, जैसे दमे की प्रॉब्लम होती है ना, ऐसा कुछ होने लग जाता है, मुझे तो बहुत होता है, मैं ज़्यादा देर इन लोगों के पास रुक ही नहीं सकती। बस अपना फटाफट से अपना सारी चीज़ें चेक करती हूँ एक एक चीज़, और फिर उसके बाद मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि लकड़ी के काम में मैं नहीं रुक सकती। बस वही चीज़ें मैं अभी चेक कर रही थी, उसके बाद मैं जो है वो तुरंत नीचे चली गई थी। गुड मॉर्निंग गाइस, और मैं आपको मिल रही हूँ डायरेक्ट सुबह। हाँ बेटा, और हाँ यहाँ बैठ जाऊँ, हिमांग बोला यहाँ बैठ जाओ और यहाँ बैठ के वीडियो बनाओ। और हाँ, और क्या चाहिए, बिस्किट नहीं है बेटा, ख़त्म हो गए, है ही नहीं, तो मैं जानबूझकर नहीं ले कर आई हूँ, 4-5 दिन से ख़त्म है। हाँ, क्योंकि फिर ये ना खाना नहीं खाता है, बिस्किट पे ही ध्यान रहता है इसको, आगे पीछे बिस्किट तो खाने को, बिस्किट तो ज़्यादा अच्छा नहीं, कलेजे में जम जाएंगे, तबीयत ख़राब हो जाएगी फिर उससे। हाँ वहाँ रखा है बॉर्नविटा, जा बॉर्नविटे का दूध गर्म करती हूँ फिर मैं, चल। तो अभी सुबह के बजे 8:30, मशीन लगाई है मैंने और सुबह सुबह की है, बालों में चंपी, सरसों का तेल लगाया है, बहुत सारा लगा लिया मैंने, फ्राइडे है ना आज, तो आज मैं सिर धो लूँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये टी शर्ट मैंने मेरी नहीं है, मेरे हस्बैंड की है, बहुत खुली खुली है क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी, तो मैंने सोचा, मैंने क्या सोचा, वही बोले कि पहन ले ये वाली, पहन ले गर्मी लग रही है तेरे को, तो फिर मैंने ये वाली जो है टी शर्ट पहन ली, कल रात से ही पहनी हुई है, अभी काम वाम करके उसके बाद जो है मैं इसको चेंज करूँगी।
और सामने कढ़ाई देख रहे हैं, कढ़ाई में मैंने मलाई जमाई है, इसका भी जो है वो घी बनाना है। तो गर्मी रे पसीने कैसे आ रहे हैं। और व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि मेरे को कपड़े भी धोने हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, उससे पहले मेरे को सारा काम करना है, मेन बात तो ये है। और व्लॉग तो कल से स्टार्ट हो गया था, कल मैंने 3 किलो दूध ना फट गया वो सारा का सारा। क्या हुआ कि मैं जैसे ही दूध वाले अंकल आए ना, मैं घर से निकली थी मैं उसी टाइम, तो मैंने बोला अंकल को मेरा पतीला रखा हो उसमें डाल देना, और डाल के अंकल ने फ्रिज में रख दिया दूध। तो फ्रिज में रखने के बाद मैं उधर चली गई थी, वहाँ पे फिर कुछ वायर वगैरह का कुछ प्रॉब्लम हो रखी थी और एक दो सामान और लेकर आना था और भी वहाँ पे बहुत सारा काम देखना था। तो वहाँ से आई मैं 12 बजे, मैं भूल गई और फिर 1:30 बज गया। बेटा जी नहीं, ये गलत बात होती है। फिर मेरे को 1:30 बजे अचानक याद आया, खड़ा हो यहाँ से चलो। देखिए सब क्या बोल रही, मांग कैसा बच्चा है, मांग से बात कराओ, सब यही बोल रही, मांग से बात कराओ भाई। देखिए हिमांग बिल्कुल भी बात नहीं मानता, किसी की भी बात नहीं मानता हिमांग। फिर मैंने 1:30 बजे दूध गर्म किया तो दूध जो है वो फट गया, 3 किलो दूध था वो सारा का सारा जो दूध जो है वो फट गया। क्योंकि ना अंकल सुबह 5 बजे लेके चलते हैं, 3 बजे इतनी सारी भैंसे हैं उनके यहाँ पे। हाँ बेटा क्या हो गया ये बोलो। हेलो हिमांग, हेलो कर दे सारा ने। अब वो मैं बोल आई देखती, अब भी यहाँ पे कितने इसको ना तेल क्रीम ये सारी चीज़ें लगाने का कितना वो है, यहाँ पे भी इसने ना तेल लगाया ये देखो, और कौन सा लगाया, डर्मी कूल ठंडा ठंडा है, नहीं नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, अमिताभ बच्चन की ऐड है ना, ठंडा ठंडा कूल कूल करके कुछ है पता नहीं, नवरत्न वो वाला तेल लगाया है। हाँ बेटा क्यों, फिर पूछी तो दे सारा ने, पूछी तो दे देख, हेलो कर दे। हेलो हिमांग तेल लगा रहा था, बोलो बुला ले सबको अपने घर पे बुला ले, उनका आ जाओ क्या, उनका आ जा आ जा बुला ले, आ जा बुलाइए आ जा, हाँ हाँ बोलो बोलो, अच्छा मम्मा बोल दे तो, नहीं बोले नहीं बोला क्या, बस इसको ये है नहीं भाई। हाँ ला मैं देती हूँ तो नीचे उतर, एक मिनट चलिए भाई अब फटाफट से काम कर लेते, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ये जो है हिमांग का गर्म हो रहा है दूध, मतलब गर्म हो गया है, ठंडा हो रहा है, बॉर्नविटे वाला दूध है ये हो रहा है ठंडा। और हिमांग देखो क्या कर रहा है, हिमांग चोट कहाँ लगी, हिमांग को कहाँ लगी, अरे ये नहीं जो कल लगी थी वो बता, कल लगी थी कहाँ से गिरा था, क्या यहाँ पे भी लगी थी और कहाँ लगी, इधर ऊपर देखना ये देखो इसके ये वाला हिस्सा मोटा हो गया ना, ये वाला यहाँ पे इसको ना चोट लग गई है, बेड से गिर गया जल्दी जल्दी के चक्कर में। मैं बाहर वो डालने गई थी, नगर निगम की गाड़ी हुई थी, कूड़ा डालने गई थी। हाँ बेटा, और ये पीछे से इतना जल्दी भागा, बेड से ही गिर गया। फिर इसको यहाँ से ना, फिर ये साइड में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा। और हाँ हाँ बेटा हाँ, दे ऊपर वाला इस तरफ से भी सूजा हुआ और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से ये सूजा हुआ है। और ना ओए, और इसकी हरकतें कम होने का नाम नहीं ले रही है, दिन पर दिन इसकी ना ये फालतू की हरकतें बढ़ती जा रही है, चोट खाने वाली जो हरकतें होती है ना वो। अभी मैंने आप लोगों को बताया नहीं, करीबन 1 हफ्ते पहले की बात है। हाँ बेटा, मैंने शाम को इसको नहलाया, दोनों भाइयों को, वरुण नहा ही रहा था टब में बैठा हुआ था, और ये इसको नहला के और मैंने बेड पे बिठा दिया। मैं फैन वैन भी चला दिया, मैं कहा बेटा मैं कपड़े लेकर आती हूँ, अलमारी तक मैं पहुँची नहीं थी, रुका नहीं गया, गीला था ये, पीछो हिमांग ये गर्म दूध है बेटा, तू भी जल जा कर मैं भी जल जाऊँ, पीछो जा। हाँ अलमारी तक मैं पहुँची नहीं थी, इसने क्या किया ये देखो क्या है, नहीं उसको क्या नाम है, पता नहीं कौन से स्विच को इसने हाथ लगा, क्या लगाया उसने, बिजली ने फेंक के मारा इसको। और ये वाला हाथ है जो राइट वाला जो इसका हाथ है ना, वो एकदम सारा रेड हो गया ज़मीन पे एकदम। मैं कहा पता नहीं क्या हुआ, बहुत तेज चिल्लाया ये बहुत तेज, और मैं कहा पता नहीं क्या हुआ अभी ऐसा एकदम देखा तो उसको करंट लग गया, ज़मीन पर गिर गया एकदम। और फिर अगले दिन इससे रुका नहीं गया, अगले दिन क्या हुआ, मैं शाम को मैंने पकौड़े वगैरह बनाए, अच्छा तो इधर ही आ गया, और मेरा भाई भी आया हुआ था और इसके पापा भी थे,
तो सबने पकोड़े खाए, वो मैं इसका मेरे इसका मामा चला गया। फिर बाद में मैंने चाय वगैरह बनाई, चाय बना के मैंने बेड पे रखी ही थी, मैं आराम से बैठ के चाय पीएंगे पकोड़े खाए हैं। तो दोनों भाई मस्ती कर रहे थे, मैंने मना भी किया बेटा गर्म चाय है और आप बाहर जाके खेलो अगले रूम में, हम लोग चाय पी रहे। नहीं माने, कोई सा भी नहीं माना, और ही मांगने चाय के गिलास को ऐसी लात मारी, वो खेलते खेलते मतलब चाय छलकती हुई इसके पैर पे गई है, और फिर तुरंत ठंडे पानी में मैं इसको डाला। ये तो भगवान का शुक्र है कि सिर्फ छलकती हुई, ऊपर से थोड़ी बहुत गई, एकदम गर्म चाय थी, बच गया ये, और पैर पे गिरी थी इसके चाय, लेकिन ठंडा पानी तुरंत डाल दिया, और इसे मतलब जैसे वो छलकती हुई गई थी ना, तो वो नुकसान किया चाय ने, क्योंकि उसी सेकंड जो है ठंडा ठंडा पानी है जो वो डाल दिया गया था इसके ऊपर, मतलब पैर के ऊपर। तो मतलब इतना परेशान करता है ये लड़का आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब यूँ ना डर लगा रहता है अंदर से कि मतलब कब क्या कर दे ये। और मैं वहाँ घर पे भी जाती हूँ ना, अगर मेरे को ऊपर जाना होता है या और अंदर कुछ काम करना होता है, या तो मेरी गोदी में रहता है या इसका हाथ में टाइट पकड़ के रखती हूँ। इतना तेज़ भागता है ये, बहुत ज़्यादा तेज़, और वहाँ पे लकड़ी का काम कर रहा है ना, तो बुरादा गिरा हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पे भी फिसलने का, डरने का, और वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे रहते हैं ना, मतलब तो थोड़ा ना कटने फटने का भी, चोट लगने का बहुत डर रहता है। ये लड़का ना मेरी जान ले कर मानेगा, अरे इधर आ, क्या क्या करता रहता है, ये देखो झाड़ू निकाल रहा है, झाड़ू निकाल रहा है, ये क्या, ये झाड़ू निकाल रहा है। जब ना गिलास लिया, भाग के गिलास लिया, दूध पियेंगे अभी, बता किसने बोला इसको झाड़ू लगाने के लिए है, क्या ये क्या है, चल झाड़ू लेके, ना क्या बोल रही हूँ, झाड़ू नहीं, कच गिलास लेके आ, चल चाय पी, सॉरी दूध पिलाऊंगी, जा जल्दी लेके बेटे, भागो भागो। सो गाइस अभी दोपहर के बज गए हैं, कितना हो गया, 2:10 बाकी हैं, अभी देखो भाई 2:10 बाकी हैं, और 1 मैं अपने सारे कपड़े धो के फ्री हुई हूँ, सुबह से लगी हुई हूँ आज। ये देख लो बीच में खाना वाना बनाया, घर का किया, बच्चों का किया, और कपड़े वगैरह धो के, क्योंकि इस वीक में ना 4 तो मेरी बेडशीट हो गई थी, सिंगल की तो धुलनी धुलनी थी, और 3 बेडशीट हो गई थी डबल बेड की, क्योंकि एक दिन वरुण ने, हिमांक ने चाय गिरा दी थी, जैसे मैंने आपको बताया व्लॉग में, वो चाय गिर गई थी, तो वो वाली बेडशीट थी, उस टाइम उस जो पोर्शन को जिस पे चाय गिरी थी वो मैंने धुल तो दिया था, लेकिन मशीन में धोना ज़रूरी था ना, तो वो धुली। फिर एक दिन हिमांक ने जूस गिराया था, वो थी कल, हिमांक ने एक बेडशीट पे कल ही बिछाई थी, वो शाम को एक बेडशीट पे उसने चावल गिरा दिए, मैं किचन में काम करने लगी और तब तक उसने ये चावल गिरा दिए, कपड़े सूख रहे जो मैंने अभी धोए हैं। तो 4 तो बेडशीट ही हो गई थी, और सबके जो हमारे 4 के तौलिए थे, और एक जो ड्यूटी पे मैं हस्बैंड तौलिया रखते हैं, 2 तौलिए रखते हैं, जैसे एक ले आए थे धोने के लिए, तो एक जो है अभी वहीं पे है, तो 5 तौलिए हो गए थे। हिमांक की गुदड़ियाँ थी और नॉर्मल जो हमारे जो कपड़े थे वो थे। सुबह से लगी हुई हूँ, और ऊपर से मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली डाली थी आज, कल से ही थोड़ी ढीली डाली, लेकिन आज थोड़ी और एक्स्ट्रा ढीली डाली हुई थी, और अब मैं सारा काम करके फिनिश करके नहा धो के बैठ गई हूँ, मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, और व्लॉग का कर लेते हैं एंड। और हिमांक की हरकत है ना, आप भी मतलब मानता नहीं है, आगे पीछे से कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, इतना शरारती हो गया है, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ वो करता ही रहता है पीछे से, कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए हमने इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए नए घर में भी ना जो जितने भी स्विच बोर्ड्स वगैरह हैं वो हमने बहुत ऊपर लगवाए हैं, ताकि हिमांक का हाथ ना जाए, पूरी कोशिश तो यही कर रहे हैं हम लोग। और चले बातें बहुत हो गई हैं, व्लॉग एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और जो फर्स्ट टाइम विजिट करा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, भी दबे लाइकन, बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक कर देना, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए, आप मेरे सारे व्लॉग्स जो देख पाओ। टिल देन बाय बाय।